अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारे समझाइश वाले भजन आप सबको सुनाए कि जब राम का नाम लेते हैं तो कैसे राम आते हैं। शबरी ने अपने गुरु पे विश्वास करके रात दिन जब गुरु की सेवा करी। शबरी जब बहुत छोटी थी तब माँ ने, पिता ने शबरी की विवाह की तारीख फिक्स कर दी और विवाह में खाने पीने के इंतजाम के लिए, क्योंकि भिलनी थी, बहुत सारे जानवर, भेड़ बकरे पिता ने इकट्ठे कर लिए। शबरी ने माँ से पूछा कि माँ, ये इतने सारे जान जानवर क्यों आए हैं, क्यों इनको इकट्ठा कर रहे हो? माँ ने कहा, बिटिया तेरी शादी है ना, इसलिए इन सबको काट के बरातियों को खिलाएंगे। तो बोले, मेरी एक खुशी मनाने के लिए इतने सारे जानवरों को आप मार देंगे, मुझे शादी नहीं करनी। आजीवन कुंवारी रही, सच्चा सदगुरु मिला, सेवा करी, सेवा चाकरी करी और सदगुरु ने कहा कि शबरी, तूने बहुत आत्मा से मेरी परमात्मा की सेवा करी है, जा मैं तुझे आज ये वचन देता हूँ कि तेरे घर स्वयं परमात्मा चल के आएंगे। दिन दुगना, रात बढ़ती गई, दिन बढ़ते गए, बालिका से जवान होती गई, जवान से और यौवन होती गई, यौवन से जब बूढ़ी होती गई, लेकिन विश्वास था सदगुरु के एक वचन पे कि राम आएंगे। और राम आए, लेकिन शबरी ने क्या नहीं गाना छोड़ा, सुनिए। सांसों का क्या भरोसा, रुक जा चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की जो है ज्योति, जीवन की जो है ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। आइए उस राम के लिए, उस भक्त शबरी के लिए। आजकल के गुरुओं जैसा नहीं कि बेटा जा ऐसा कर ले वैसा कर ले, गुरु ने बोल दिया कि राम आएंगे, मतलब आएंगे। तब क्या हुआ, कहने लगी, जीवन है चार दिन का, जीवन है चार दिन का, दो दिन की जिंदगानी, दो दिन की जिंदगानी, दो दिन की ये जवानी, दो दिन की। बुढ़ापे में दुख ना हो, देखो अगर सरकार ने किसी को फांसी की सजा सुना दी तो सजा तो कम नहीं हो सकती। अगर पिछले जन्म में कुछ गलतियां करी हैं और उसका दोष, उसका पाप भुगतना है तो वो तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम जब राम नाम लेते हैं, कृष्ण गोविंद नाम लेते हैं, तो वो सजा कम नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि सजा को झेलने की तकलीफ बढ़ जाती है, कि हम कितने सक्षम और बढ़ जाते हैं। राम नाम की ताकत ऐसी मिल जाती है कि सजा तो वो कितनी और रहने वाली है, जो होना है वो तो होगा, लेकिन फांसी का दर्द थोड़ा कम होगा।
इसलिए कहा क्या, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। आज कर लो, उठा लो हाथ, उठाओ पूरे पूरे हाथ। मैं कभी अपने लिए हाथ खोलने को नहीं कहती, किसके लिए कहती हूँ, सिर्फ आपका कनेक्शन उस ऊपर वाले के कनेक्शन में ज्वाइंट हो जाए। दोनों हाथ खोल के ताली के साथ, हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होते होते जरा से बच जाती है, परमात्मा का नाम लेते, माँ का नाम होते, माँ हे राम, बच गए। लेकिन क्यों ऐसे इशारे मिलते हैं परमात्मा की तरफ से कि पागल भूल गया, माया मोह के चक्कर में पड़ के मेरा नाम भूल गया? तो फिर परमात्मा इशारा देता है कैसे, समझा तू इशारा, समझा तू इशारा, समझा न खेल इसका, समझा न खेल इसका, समझा न खेल इसका, समझा न खेल इसका। यूं तेरी बात बिगड़ी, यूं तेरी बात बिगड़ी, हर बात बनते बनते, क्या भरोसा, रुक जा चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। राष्ट्रपति भी गए, प्रधानमंत्री भी गए, बड़े बड़े राजा बादशाह सब गए। कैसे गए? गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते, जीवन की जो है ज्योति, जीवन की जो है ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। आइए हाथों की ताली, राम नाम वाली, एक साथ, एक दो तीन चार। We'll be right back.
तक किया न सोनो, अब तो हरी सुमिर ने, अब तो हरी सुमिर ने, अब तो हरी सुमिर ने, अब तो हरी सुमिर ने। आइए एक दो मिनट, एक दो मिनट का हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ, थोड़ा जोर से। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ, अजामिल जो थे ना भक्त अजामिल, उन्होंने एक वैश्या से शादी करी थी। कहते ना कल का गिद्ध गणी का गिद्ध अजामिल तर गए, एक भजन आता है। वैश्या से शादी करी, बच्चे बच्चियां हुए, जो आखिरी बालक हुआ उसका नाम रखा नारायण। नारायण में बहुत प्रेम था उनका। अजामिल के जब मौत का वक्त आया तो मौत के कहर से घबरा के उन्होंने नारायण पुकारा, बुलाया तो बेटे को। जब यमदूत आए तो बोले चलो, बोले कहाँ, बोले जाना है तुम्हारा समय आ गया। उतने में ठाकुर के दूत आ गए बैकुंठ से, बोले चलिए ठाकुर जी ने याद किया। यमराज के दूतों ने पूछा क्यों भाई, ये तो इतना पापी है, शुरू से ही नीच कर्म में रहा है। अरे ठीक है बोले, इसने पाप किए होंगे लेकिन आखिरी में इसने नारायण को बुलाया, अंत समय में जो नाम बुलाओगे वही धाम मिलेगा। मन में पैसे की चाह रखोगे तो फिर पता नहीं किस पैसे वाले के यहाँ, किस गरीब के यहाँ पैसों के लिए तरसना पड़े। लेकिन मन में अगर हरि मिलन की चाह रखोगे तो भगवान का धाम दूर नहीं है। तो ये नाम लेने का बहुत ज्यादा मतलब होता है, इसलिए कि जो कुछ है, शंकर भगवान कहते हैं उमा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, एकमात्र साधन है नाम। आइए सब मिलके, किसी को कहना ना पड़े कि नाम लो आप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, पित मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। अब तक किया न पगले, अब तक किया न पगले, सोनू हरि सिमर ले, सोनू हरि सिमर ले, कह रही है जिंदगी की, कह रही जिंदगी की ये शाम ढलते ढलते